इसके बाद जो कल जो हमने किया था डब्ल्यू एच हाँ, इंडिकेटिव। अब इसके बाद हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का जो नेरोसन है उसका पैटर्न अब देखो। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, एक तो ऐसे वाक्य जो ऐसे सेंटेंस या वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। दूसरी चीज़ ये होता है कि ऐसे वाक्यों में ना, ऐसे वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और न टेंस होता है। न तो सब्जेक्ट होगा न टेंस होगा। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में या तो आज्ञा होगी रिक्वेस्ट, या निर्देश होगा, आदेश होगा सलाह भी हो सकती है। या सलाह होगी, ये चीज़ें होगी आपके। तो इनका जब आप निरूक्षण करोगे तो थोड़ा पैटर्न चेंज है। कैसे, जैसे देखो एक वाक्य लिखा मैंने, शी सेड ब्रिंग नोटबुक फॉर मी। तो ये देखो, ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो आपके कहलाते हैं मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य हैं जो आज्ञा दे, आदेश दे, निर्देश दे, ऐसे इनके मतलब की अर्थ होते हैं। तो अब जब इनका आप मतलब नरेशन चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कनेक्ट सेट टू है उसके स्थान पर मतलब कि वाक्य में अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस, जो वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में अर्थ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ठीक है, या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, सलाह अगर दे रहा है, ठीक। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव्स है वो हमेशा टू लगता है। अब पहली बार है ना, देखो इससे पहले हमने कनेक्टिव रूप में डेट का डेट और प्रयोग इफ किया का था, प्रयोग किया था। इफ का किया था, डब्ल्यू एच का भी किया था, मगर यहाँ पर क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ये वाक्य, इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए टू का प्रयोग किया जा रहा है। ये चीज़ समझ में योग्य है, ठीक है। फिर पर्सन चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा और टेंस तो है नहीं। डिस्टेंस अगर दे रखी है टाइम ऑफ एडवर्ब तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो सेटू को ब्रिंग नोटबुक फॉर मी, अब ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, अब जो ऑप्शन में दे रखा है वो काम आएगा, ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू ब्रिंग नोटबुक सेम बात सेम फॉर, अब देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन पर्सन। प्लस फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखना है आपको कि ये मी है ना आई के फैमिली में सेकंड नंबर पे सेकेंड है, नंबर पे ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, तो सी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हर होती हर है। होगी। हाँ सर, सही ये चीज़ें आपको ध्यान है। हाँ, रखनी ये पड़े। पर्सन एक हो ना, समझ में आ जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और स्पीच रिपोर्टिंग की स्पीच में भी सब्जेक्ट, उसमें है ना कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखो एक वाक्य लिखा मैंने, राम सेड टू डॉक्टर, ठीक है, होल्ड ऑन, ठीक है।
तो राम रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू होल्ड ऑन. ठीक है, जैसे आई शेड टू हर क्लोज द डोर. ठीक है, तो आई ऑर्डर्ड. ये देखो, ये जो ऑर्डर्ड है चाहे रिक्वेस्टेड है, ये इसके बेस पर ध्यान पड़ेगा, इस वाक्य के अर्थ के आधार पर. और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, चार ऑप्शन में से ये कोई ऑप्शन होगा. तो ऑर्डर्ड कर दो बोली हर टू क्लोज द डोर. ठीक है, अब ये वाक्य आपको घर से करके लाना. जैसे ही शेड टू मी गो फॉर अ पिकनिक. योर फादर said to you bring fruits for him. ठीक है, ये वाक्य आपको घर से करके लाना. तो ये इम्परेटिव सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं. एक तो ये होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है. ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस का जो दूसरा पैटर्न है, इम्परेटिव सेंटेंस का जो दूसरा पैटर्न है आपके, वो ये कहता है. ठीक है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक, जैसे दूसरा जो आता है इसका, इम्परेटिव सेंटेंस का जो प्रकार है वो है कि ऐसे वाक्य जो प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो. ऐसे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू हो. अब इसमें देखो, जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, शी सेड टू मी प्लीज प्लीज ब्रिंग पेन. ठीक है, तो अब क्या करना है कि देखो, जहाँ पर प्लीज़ और काइंडली शब्द आते हैं वहाँ हमेशा सेट टू के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये पास्ट में चलेगा शब्द, क्योंकि ये सेड है. हाँ. तो रिक्वेस्टेड. ठीक है, अब कनेक्टिव्स के रूप में टू का प्रयोग. ठीक है, और ये रिक्वेस्टेड काइंडली इन शब्दों को हटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्लीज और काइंडली का अर्थ है जो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड में आ चुका है. ठीक है ना, इसलिए इनको हटाना पड़ेगा. अब She requested me to bring pen. बिल्कुल, अगर पर्सन चेंज है तो करना पड़ेगा, वरना कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, I said to you kindly go there.
ठीक है, टेंस टेंस तो इसमें होता ही नहीं है मैम, टेंस तो होता ही नहीं है, नया सब्जेक्ट होता है। तो आई रिक्वेस्टेड यू टू गो देयर, काइंडली जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर आ गया है इस अर्थ में, ठीक है। अब ये तो इसका दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है, सी पैटर्न, जिसमें क्या होता है कि डोंट से शुरू होता है, डोंट से शुरू, यानी इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से या नकारात्मक आप कह सकते हो, नॉट का प्रयोग होगा। तो इसके दो तरीके हैं, आपको बता दूं, अच्छा पैटर्न है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, आई सेड टू हिम डोंट प्ले आउटसाइड, तो ये देखो, ये डू भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये इंपरेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा बहुत, अच्छा इसको दो तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सेट टू है, सेट टू, उसके स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आप क्या करो, या तो करो फॉरबेड, फॉरबेड होता है मना करने का भाव, ये वर्ब है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। फिर कनेक्टिव्स के रूप में तो टू है ही जाए, मगर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि नॉट टू, हाँ क्योंकि है ना ये डिड नॉट है तो नॉट आएगा ही आएगा, आएगा ना, आएगी या नहीं आएगा मैं, ठीक है, नॉट होगा वो दूसरे पैटर्न में आएगा, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है, फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। और डोंट को हटाना है, डोंट को हटाना है सर, उस सेंटेंस में नकारात्मक क्या रहेगा मैम, फॉरवर्ड नकारात्मक वर्ब है, ओके, इसका सेंस ही नेगेटिव आता है, जैसे सेल्डम है, नेवर है, ये नकारात्मक शब्द है इस कारण से। तो जैसे अब देखो इसको, जब पैसे आप नरेशन चेंज करोगे, आई फॉरबेड हिम, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डोंट का जो अर्थ है ना वो फॉरबेड में आ चुका है, हाँ, ठीक है। टू प्ले आउटसाइड, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और है कि अगर आप मान लो फॉरबेड नहीं लगाते हो, या वो फॉरबेड ऑप्शन में नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, या तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, ये सब देगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि मतलब कि कनेक्टिव्स के रूप में, फिर क्या करेगा कि कनेक्टिव्स के रूप में नॉट टू लगाना है, ठीक है। जैसे इसको बनाऊं, जैसे आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू प्ले आउटसाइड, ये देखो टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, और अच्छा वाक्य है ये भी, कि जैसे यू सेड टू मी डोंट रन फास्ट, ठीक है।
तो अब इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये इम्पेटिव की श्रेणी में आते हैं। पहली चीज़ ये है, जैसे देखो ये डॉन से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो देखो यू ऑर्डर्ड मी नॉट टू, क्योंकि अगर फॉरवर्ड आता तो नॉट नहीं लगाते, ठीक है? नॉट टू रन फास्ट, या फिर क्या करो कि फॉरवर्ड लगा दो, तो टू आएगा नॉट ठीक टू। है? फिर इसके जगह पर टू रन फास्ट, ये इसका पैटर्न है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि एक इसका जो पैटर्न है वो आता है आपके लेट्स वाले, ठीक है? कि एक्चुअली क्या होता है कि जो लेट एक वर्ब है, LET, लेट, ठीक है ना? तो लेट जो वर्ब है ना, लेट लेट और लेट, जैसे ये सेम चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड कट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पहली चीज़, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये है कि लेट से जब वाक्य शुरू होता है तो इसके भी तीन अर्थ आते हैं, ठीक है? जैसे देखो मैंने एक वाक्य लिखा, लेट्स प्ले, तो इसमें एक प्रपोज टाइप अर्थ आता है, ये वास्तव में लेट्स, तो इसका फुल फॉर्म होगा लेट अस, ठीक है ना? तो ये होता है प्रपोज का भाव, प्रस्ताव का, ठीक है? एक होता है लेट हिम गो, ये आज्ञा कि उसको जाने दो, इसके ऐसे अर्थ आते हैं, ठीक है? अब तीसरा होता है लेट ड्रिंक वाटर, तो ये जो ऐसे अर्थ होते हैं ना, लेट हिम या लेट हिज, ऐसे अर्थ, ठीक है? तो ये उसको श्रोता की या वक्ता की अर्थ पर तय करता है कि उसको क्या अब निर्देश करना है आपको, ठीक है? पहली चीज़। तो अब जैसे एक मैंने वाक्य लिखा, आई सेड टू हिम लेट्स प्ले, ठीक है? तो यह जैसे वाक्य लिखा मैंने, ही सेड टू यू लेट हिम ईट फूड, ठीक है? ये दोनों मैंने प्रकार अलग अलग एक साथ नहीं करवा दिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अर्थ दिखता है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच जैसे अर्थ दिखता है वैसा का वैसा आप क्या करोगे कि मतलब कि सेट टू के स्थान पर कर दोगे। हाँ, तो जैसे मान लो सेट टू का अगर प्रपोज है तो प्रपोज्ड कर देंगे, फास्ट पास्ट आ जाएगा आ पास्ट जाएगा, सेट ठीक होगा। है? अगर इसका ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, वो ऑप्शन में दे रखा होगा, उसको आप क्लोज, ठीक है? अब कनेक्टिव्स के रूप में है ना, लेट इज रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, और टू लेट, ठीक? जैसे, और टेंस इसमें होता ही नहीं है, तो टेंस चेंज होगा ही नहीं, टेंस नहीं होगा, ठीक है ना? और पर्सन चेंज होगा भाई, ठीक है? सीधी बात। अब जैसे देखो, आई ऑर्डर्ड
हिम टू लेट प्ले। कोई चाहे ठीक है, अब जैसे देखो ही, सर इसमें लेट्स एस लगा हुआ पीछे तो ये नहीं कोई लगेगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये टू लेट प्ले है, इसमें कई बार ये क्या करता है कि जैसे लेट अस दे रखा ना, तो टू वी शुड प्ले ये भी दे सकते, क्योंकि लेटर्स को उस तो हुआ ना वी शुड में बदलता है, ये भी ऐसे वाक्य कराता है तो उसको शुद्ध माना गया, कोई गलत नहीं। ठीक है, अब ही रिक्वेस्टेड यू लेट। ठीक है, अब देखो हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इंटरेस्टिंग। ईट फूड, ये अब मैं दो वाक्य दे दूँ तो आपको, आई सेड टू हिम लेट देम गो। ठीक है, और आई सेड टू यू लेट्स ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये दो वाक्य बनाने हैं। अब आपके इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। खुशी के भाव वाला है हाँ ये। बिल्कुल, ये आता है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ठीक है,